वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है पटेटो चिप्स। इसकी आवाज़ सुनिए तो देखा कितने क्रिस्पी बनाए मेरे पटेटो चिप्स। ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही टेस्टी। तो इसे बनाने के लिए पहले हम आलू लेंगे, आलू को छील लेंगे, कोई भी स्लाइडिंग लेंगे और उसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से, ना तो ये बहुत पतला है और ना ही ये बहुत मोटा। और आपको जितना भी एक बार में फ्राई कर सको आप उतना पटेटोस को स्लाइड करिए, पूरा ना कीजिए नहीं तो ये काले पड़ने लगेंगे। और हमें इसको पानी में भी नहीं डालना, नहीं तो आलू में पानी भर जाएगा। तो सारे आलू को काट लीजिए, फिर स्लाइस कर लीजिए और फिर कोई भी टिश्यू पेपर या टॉवल लेकर आप इसको इस तरीके से फैला लीजिए। तो मैंने टिश्यू पेपर लिया है, टिश्यू पेपर में मैंने सारे आलू को इस तरीके से फैला दिया है ताकि जो आलू में मॉइस्चर हो वो सारा निकल जाए। और इस तरीके से हम इसके ऊपर एक टिश्यू और रख के इसको पुश कर देंगे ताकि सारा जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है आलू का वो सब निकल जाए। अगर ये जो आलू के चिप्स होते हैं वो कुरकुरे इसलिए नहीं बनते क्योंकि जो आलू के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो रह जाता है और बाद में आलू के चिप्स मुलायम पड़ जाते हैं। तो इस तरह से पानी सारा सोख लीजिए। मैंने ऑयल गर्म कर लिया था, मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे। जब ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाए एकदम से हाई फ्लेम पर कर बहुत ही ज़्यादा तेल को गर्म करके ना डालें, नहीं तो आलू के चिप्स जल जाएंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम कर ले और मीडियम फ्लेम पे आलू के चिप्स को फ्राई करें। और हमेशा आलू के चिप्स ऑयल में डूबा रहे इतना हमें ऑयल डालना है। तो आप इसको इस तरह से पलट पलट के इसको फ्राई कीजिए, हमें गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है। अब एक कटोरी में पानी लेंगे और आधा चम्मच सेंधा नमक, और अच्छे से पानी के अंदर सेंधा नमक को घोल लेंगे। और जब हमारा 99% आलू फ्राई हो जाए उसके बाद हम दो चार बूंद इस तरीके से हम डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, इससे क्या होगा कि सारे चिप्स कुरकुरे बनेंगे और सब में अच्छा से नमक आ जाएगा। तो अब चिप्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैंने टिश्यू पेपर में चिप्स को निकाल लिया है। तो ये देखिए हमारे चिप्स रेडी हो गए, हमें इतना ही गोल्डन करना है इसे। तो नमक वाले चिप्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब आप इसके अंदर मसाले के लिए मैगी मसाला भी डाल सकते हैं या पटेटो चिप्स के जो पाउडर आता है वो डाल सकते हैं, तो पटेटो चिप्स बन जाएगा। और आपको जो भी फ्लेवर इसमें डालना हो आप इस तरीके से डाल के मिक्स कर सकते हैं, चाहे पुदीना का फ्लेवर डालना हो, टमेटो का या चिली का, जो भी फ्लेवर डालना हो इस तरीके से डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। और घर में ही हाइजीनिक अच्छे तेल में बना हुआ हमारा पटेटो चिप्स रेडी है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।